फंसाने का ही उत्तम साधन है, फंसाए रखने का। क्या बताते थे, कै खाना कै सोवना और न कोई चित, हरसा प्रीतम विसारा बालापन का मित्तो। इस उदर के कारण जग जाचो निसियामी, स्वामी पणो सर चढ़ा सरयो न एको काम। अब क्या बताते हैं कि या तो कोई भक्ति करना नहीं चाहता, और जिसने थोड़ा सा ज्ञान इधर उधर से कर लिया, इकट्ठा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो स्वामी पाक जाता है, महंत बन जाता है, गुरु पद पर बैठ जाता है, फिर वो नहीं सुने किसी की, चाहे कुछ भी बने। और जबकि हमने कल्याण के लिए मान बढ़ाई, ये सब त्यागनी पड़ेंगी। जैसे परमात्मा कहते हैं, अपनी वाणी आप ही बताते हैं, साहेब के दरबार में ये गाहक कोट अनंत, चार चीज चाहते हैं ये रिदि सिद्धि मान महंत। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को त्याग के वो चाव है पुरुष अलेख। इन चारों को रिदि सिद्धि मान महंत स्वामीपना इसने भूल के परमात्मा पाने के लिए ये सब त्यागनी पड़ेंगी। स्वामी होना सोहरा दोरा होना दासे, गड्र आनी ऊन को बांधी तरह कपासे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि स्वामी होना तो आसान है, चार श्लोक सीख ले संस्कृत के, पांच सात शब्द सीख ले परमात्मा की वाणी के, श्रद्धालु लोगों में मूर्ख बनाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है तेरे लिए, लेकिन परमात्मा पाने के लिए दोहरा होना दास, दोहरा होना माने कति विनम्र हो जाना। और जो अपनी मान बढ़ाई में फूले फिरते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे बेड के ऊपर ऊन घनी हो जाती है, तो वह बहुत मोटी तगड़ी लगे है, और धनी जब उसने उतार लिया ना उसके बाद, वो इतनी दिखा रहा है उसका अस्थि पिंड सारा दराता है। तो परमात्मा कहते हैं कि तू यहाँ, तेरे को 10-20 प्रणाम करने वाले हो गए और महाराज जी कहने लग गए, तो तू ऐसा है जैसे बेड के ऊपर कपास व रुई, और वहाँ पर काल तार लेगा, फिर जीव का जीव रह जाएगा तू। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें समझाने की चेष्टा की है। इस कलयुग का स्वामी लोभिया ये मनसा धरे बधाए, देवे पैसा ब्याज को फिर लेखा करता जावे। एक ऐसा नकली गुरु था, इधर दादरी के पास एक गांव है, उस गांव में उसके पास 75,000 रुपये हो गए, आज तो 25 साल पहले की बात है, डिपॉजिट कर रहा था बैंक में, और उसका एक चेला था, उसी के माध्यम से वो जमा करा रहा था, पक्का चेला, बहुत उसके आगे तागे सारी सेवा, उसका खूब सत्कार करे। उस चेले ने स्कीम बनाई, गुरुजी मैं एक मकान बनाऊ हूँ और मुझे लोन हुआ नहीं, अभी लोन मैंने अप्लाई कर रखा है, आप मुझे 75,000 रुपये दे दो, आपको 1,00,000 दे दूंगा। अब गुरु जी ने सोचा भाई ठीक से ले ले। अब उसने वो मकान बना लिया और रुपये लाग गए 2,00,000, 75,000 गुरु जी के लाग गए, और लोन लिया था वो भी लग गया। अब गुरु जी मांगे पैसे और चेला बतावे धन, दोनों का रोड़ा पड़ गया। जैसा कि उसके चेलों ने बताया दूसरों ने इस दास से, कि फिर आखिर में उस चेले ने वो गुरु जी मरवा दिया। रात ने आश्रम एकला था, तड़के मरिया पाया। अपने आत्माओं परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये बीमारी छोड़ कर तो तू साधु संत बनया, और वह फांसी फेर गल में गाल ली, बता के संत बनया के तू भगत, यानी भक्ति तो आसपास भी कोई ना, कर्म भी बिगाड़ दिए, जन साधारण से भी गिर गया। कहते कलयुग का स्वामी लोभिया, गुरु जी लोभिया,
मनसा रहे बंधा आए, यानी अपनी इच्छाओं को बढ़ाए रहता है। देव पैसा ब्याज को फिर लेखा करता जावे, कल का स्वामी लोभी आये पीतल धरे खटाए, राज द्वारे यूं फेरे जो हरियाई गाए। कबीर, राज द्वारे राम जन तीन वस्तु को जावे, कै मीठा कै मान को या माया की चाहे। कहते संत ओ कह अरिन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो तीन चीज के लिए राज दरबारों में जाता है, एक तो मान बढ़ाई, लोग कहेंगे भाई तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है, और फिर जाते वहाँ उन्हें प्रसाद मिठाई मिला है, कोई बूरा पहले बूरा भी आ करते घी में अच्छी गच, और फिर चलते समय दक्षिणा देते हैं। आम आदमी तो एक रुपया दे, वो राजा देवस मेरे ख्याल 1,000 रुपये दे दे। तो क्या बताते हैं कि कभी राजद्वारे राम जन तीन वस्तु को जाए, कै मीठा कै मान को सत्कार के लिए दुनिया फिर आदर करेगी, और या माया की चाहे। कबीर, कलयुग कठिन है संत न पूजे कोई, काम क्रोधी मस्करे है तिनको आदर होवे। हरि सिमरन साची कथा कोई सुन है काने, कलयुग पूजा दम्ब की और पाखंडी को माने। परमात्मा बताते हैं कि सच्ची कथा जो ये दास बता रहा है, ये परमात्मा पहले बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है, ये कर्म नाश पाप आपके दुखों का निवारण नहीं कर सकते, ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ये भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो कहते हैं यह सच्ची कथा और यह सच्चा सुमण, कोई कोई सुन है कान, कोई एक सुन है कान, मुश्किल तो एक आध सुनता है। और कलयुग पूजा दम्ब की, भाई पाखंडी को मान। कलयुग में पूजा दम्ब की और पाखंडी की इज्जत होती है। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का सो तारों छिप जावे। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जब मेरा ज्ञान प्रकाश में आएगा, उसमें वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान ही ये ब्राह्मण लोग गुरु ऋषि दिया करते थे, फिर भी वो ब्रह्म को सुप्रीम पावर बताते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अजरो अमर बताते थे, तीन लोक के भगवान भी बताते थे, रजगुण सतगुण तमगुण भी बताते थे। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जब मेरा ज्ञान ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा, आप जी का ज्ञान और आपके भगवान ऐसे छिप जाएंगे जैसे तारा मंडल बैठकर चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का सो तारों छुप जावे। चांदनी यानी फुल मून नाइट बोलते हैं, फुल मून नाइट यानी पूर्णमासी चांदनी रात्रि, और चांद बहुत सुंदर लगता है और चंद सितारे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और तारामंडल के अंदर चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है, सबसे प्रकाशमान दिखता है। कहते हैं जब सूर्य उदय हो जाएगा तब देखे तो बिना दिखे कहाँ गया हो, उसका प्रकाश उसके सामने इतना फीका हो जाएगा। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे जब मेरा ज्ञान और मेरी महिमा प्रकाश में आएगी, सूर्य उदय होगा ये, उस समय जो तुम्हारा ज्ञान और ये भगवान ऐसे फीके हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय नंबर दो श्लोक नंबर 46 यानी 46 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है, ये काल के जब तत्वदर्शी संत तुम्हें मिल जाएंगे वो तत्व ज्ञान बताएगा। तत्व ज्ञान से फिर आपको सभी भगवानों की स्थिति का परिचय हो जाएगा। उसमें आप जी के मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत जैसी आस्था छोटे जलाशय में व्यक्तियों की रह जाती है। पुण्यात्माओं, जिसमें ये गीता जी का ज्ञान प्रदान किया जा रहा था उसमें जलाशयों से, तालाबों से, जोहड़ों से जीव निर्वाह चलता था, मनुष्य का, सभी प्राणियों का। वर्षा हो जाती थी, दूर दूर से पानी आकर के एक तालाब का रूप धारण कर लेता था। उस तालाब के आसपास 20-30 झोपड़ियाँ डाल लेते थे। पहले ऐसे छोटे छोटे गांव नगर हुआ करते, 50 घर हो गए, 20 हो गए, और सारा जीवन उसी से नहाने के लिए जल लेते थे तालाब से, उसी से पीने के लिए, उसी से कुछ थोड़ी बहुत सब्जी बो लेते, उसी से सिंचाई करते थे। कहने का भाव ये है कि यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो उस तालाब का जल सूख जाता था, और दो वर्ष वर्षा ना हो तो अकाल पड़कर वो सभी नष्ट हो जाते थे, उसके आश्रित प्राणी व्यक्ति भी, प्राणी भी। और उन व्यक्तियों को जो केवल एक तालाब छोटे से जलाशय पर आश्रित है, उनको बहुत बड़ा सरोवर मिल जावे, इतनी बड़ी झील मिल जावे, उसका पता लग जावे कि जहाँ 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल ना सूखे, तो उस समय उन प्राणियों की आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है। पुण्यात्मा, उनको वो जलाशय का जल, छोटे जलाशय यानी तालाब का जल बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो पूरा उनका सब कार्य पूरे नहीं कर सकता, उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो तो काम चलाऊ सरकार है, वो तो काम चलाऊ था, वर्षा होगी तब जल इकट्ठा हो गया, ना होगी तो मर गए। और उस तालाब, उस झील के ऊपर 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल उसमें समाप्त नहीं होता, तो वो तुरंत उसको त्याग कर उस बड़ी झील की शरण ले लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, आज जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनके पिछले शुभ संस्कार अधिक हैं, वो इस ज्ञान को सुनते ही और तुरंत उन पूजाओं को, उन देवताओं को, उन भगवानों को, उन जलाशय को तुरंत त्याग कहे। कौन किन को, जो स्वयं नाशवान है, जो स्वयं भी मरेंगे तो आपकी कैसे रक्षा करेंगे, जो स्वयं भी अपने कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर पाते तो आपको सुख कैसे देंगे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, सारा जीवन दुख में भरा रहा, जन्म जेल में, माँ बाप जेल में, बाहर आया तो मामा दुश्मन, जरा सिंह, शिशुपाल, चारणों और कोई कभी कोई उसके पीछे पड़े हुए। पर भगवान ने यहाँ के जो राम थे आपके, श्री कृष्ण, उन्हें यहाँ से मथुरा त्याग कर और उस समुद्र में जाकर शरण दी, वहाँ एक टापू देख कर वहाँ अपना नगर बसाया, सब यादों को वहाँ ले गया कि कौन लड़ाई मूर्खा के साथ रोज यहाँ पर। और फिर अंत क्या हुआ श्री कृष्ण जी का, पूरे यादों का क्या अंत, जिसके सामने अब जैसे अभी तक ये धारणा है हमारी कि हमारा कुल चले और हमारा बच्चे हों, हमारा कुल चले, खानदान बढ़े, हमने बड़ी खुशी हो, और जिसके सामने सारा कुल मारा गया, श्री कृष्ण बाद में मरे, पहले 56 करोड़ यादव उनके सामने कटके मर गए। किसी व्यक्ति के 5 बेटे हैं और एक बेटा मर जाए टक्कर मारे वो उसकी दुख में, और 2 मर जाए तो जमा रो रो का अंदा हो जाता है, और 5 मर जाए तो उसकी स्थिति वो जान सके जिसके लिए बीता है। और श्री कृष्ण जी के पोते और पड़पोते और सारा रिश्तेदार खानदान सारा नष्ट हो गया, और श्री कृष्ण जी भी देख रहा है। एक बुढ़िया रोए थी, इन्होंने बोली एक बेटा मर गया, 2 पोते मर गए एक्सीडेंट में, हे भगवान ये दुख देखने खातिर मैं क्यों जिंदा रहेगी, पहले क्यों ना मरगी। यानी जो बाद में बुजुर्ग जीवित है उसके सामने कुल मरण लग रहा है, वो सुखी नहीं हो सकता।
तो पुण्यात्मा यहाँ क्या बताते हैं,